सागर धनकर हत्याकांड में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। बताना चाहेंगे सुशील कुमार और काला जठेड़ी भी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस इन दोनों से लगातार पूछताछ कर रही है और ऐसे में सागर धनकर केस से ही नहीं बल्कि अन्य अपराधों से जुड़े भी रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं कि कैसे ये अपने जुर्म के काले कारोबार को चला रहे थे। आपको बता दें, जब सुशील कुमार फरार था तो उन दिनों खबर थी कि सुशील कुमार ने अपने फरारी के दिनों में काला जठेड़ी से संपर्क किया था। सुशील कुमार दरअसल काला जठेड़ी से डर गया था और ये बात अब सच सामने आ गया है। खुद सुशील कुमार ने इस बात की पुष्टि की है कि वो इसलिए फरार हुआ था क्योंकि उसे काला जठेड़ी का डर था। वो पुलिस के डर से नहीं बल्कि जठेड़ी के डर से ही भागा था। इस दौरान उसने जठेड़ी को एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन तीन बार फोन किया था जिससे वो उससे समझौता कर सके, लेकिन पहली बार में ही जठेड़ी इस समझौते के लिए नहीं माना और जठेड़ी ने उसको पहले फोन कॉल पर देख लेने की भी धमकी दी थी। सुशील को डर था कि कहीं जठेड़ी उसे पकड़ कर जान से ना मरवा दे, इसलिए वो फरार हो गया था और काला जठेड़ी के डर से ही वो छुपता हुआ डोल रहा था। आपको बता दें, लेकिन सुशील के बार बार फोन करके मनाने के बाद काला जठेड़ी समझौते के लिए मान गया था और उसने टोल के बिजनेस में से ज्यादा परसेंटेज की मांग की। जी हाँ, सुशील का जो टोल का बिजनेस था, काला जठेड़ी ने उसमें अपना ज्यादा हिस्सा मांगने की डिमांड की कि इसी बात पे मैं तुम्हें माफ करूंगा। अब ये बात सामने आ चुकी है कि सुशील ने काला जठेड़ी से अपनी जान की भीख के लिए तीन बार फोन कॉल किया जिससे जठेड़ी उसको छोड़ दे। बता दें कि फरारी के दिनों में सुशील कुमार हरिद्वार भी भागा था और ऐसी बात सामने आ रही थी कि वो किसी बाबा से मिलने पहुंचा है, लेकिन जब जठेड़ी पकड़ा गया तो ये खुलासा हुआ कि जठेड़ी हरिद्वार में ही फ्लैट लेकर रह रहा है। तो ये बात भी सामने आई कि सुशील कुमार किसी बाबा के पास नहीं बल्कि जठेड़ी के पैरों में ही गया था कि वो उसे माफ कर दे, लेकिन बात कुछ बनी नहीं, फिर सुशील कुमार वहां से भी भाग आया। फरारी के दिनों में सुशील कुमार इधर से उधर भागता रहा, आखिरकार स्पेशल सेल की टीम ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर ही लिया। फिलहाल सुशील कुमार से लगातार नए नए अपडेट के लिए रोज पूछताछ की जा रही है।